हेलो एवरीवान वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू एन अकेडमिक प्लेटफॉर्म दिस इज मी सोनप्रिया योर एजुकेटेड एंड मेन्टोर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है आर वी रेडी टू गो और अगर सब कुछ बढ़िया है तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जो उसको प्रेस कर देना है अलॉन्ग विद डैट अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आपको जो लाइक like बटन है उसे हिट करते जाना है और क्लास के बाद में आप अपना फीडबैक जो है वो बता सकते हैं पोस्ट लाइक करते हो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जो है वो आप जरूर करो कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं सो so, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से

अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जस्ट अ मिनट ओके सो पे किसी का क्वेरी है कि मैम आप क्लास ट्वेल्थ पढ़ा रहे हो क्या तो यार ध्यान से सुनो मैं हमेशा आपको कहती हूँ इस क्लास के अंदर जो भी हम कंटेंट कवर करते हैं वो आपकी जो सतीश चंद्रा है ओल्ड एनसीआरटी है क्लास इलेवेंथ की वो आपकी जो नई एन हैं है ना आपकी क्लास सेवन्थ की अगर मिडीवेल की हम बात करें अवर पास्ट पार्ट टू एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकेंड जो है राइट उस सब का कॉन्टेंट प्लस आपका जो तमिलनाडु बोर्ड का बुक है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ और वेरियस अदर साइट से भी थोड़ा रिसर्च करके भी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ कंटेंट द रीजन बीइंग इस तरीके से लेक्चर को प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप अगर इस लेक्चर को भी देखते हैं तो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपको कोई और बुक या फिर और वीडियो जो है वो रेफर नहीं करना पड़ेगा तो रेदर देन गोइंग दी बुक्स और गोइंगर है ना आई एम गोइंग टॉपिक वाइज सो हाल फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं हम दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्लेव डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बाकी यार ये या मेरे बारे में सो है, मॉर्निंग है? So, का चल रहा था के पे, के 2013 से लेके 2023. जितने भी क्वेश्चन आए हमने उनका बिल्कुल इनडेप्थ एनालिसिस किया है और वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है वो ड्रॉ किया है जैसे हमने पता लगाया है कि पीवाई क्यू जो है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स जो है उनमें क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने के लिए या आप किस तरीके से बेटर मैनर में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड चांसेस हैं कि आप ज्यादा आंसर्स करेक्ट कर पाएंगे आने वाले एग्जाम के अंदर तो अगर आपने नहीं देखा तो भी आप देख सकते की आप हैं ऐप पे सारी क्लासेस सब आपके स्पेशल फ्री क्लासेस है सो सबसे पहले अनडमी पे मेरी प्रोफाइल है इसी नाम से सोनप्रिया मीना नाम से आप सर्च कर लीजिए वहां पे स्पेशल फ्री क्लासेस में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी नहीं भी मिलती हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सोनप्रिया मीना कोर्स ग्रुप पे आपके सारे क्लासेस के जो लिंक हैं इवन ऐप है मैंने आपको बताया मंडे से एक नया शुरू कर रही हूँ पे, जहाँ पे रोज इलेवन थर्टी ए एम हम मिलेंगे और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे हम सीसेट के जो पैसेजेस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के है उनको सोल्व करेंगे तो so, आपके प्रीवियस के पेपर्स के जो सी सेट के हैं उसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से कुछ इनसाइट्स ड्रॉ करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो सी सेट के हैं वहां पे हमारा एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो एंड हम सी सेट जो है वो इजिली सेल कर लें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं कमिंग मंडे से क्लासेस का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड सेवन पी आपका ये हिस्ट्री का सेशन होता है सो so, नए बच्चों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं इंपॉर्टेंट होता है ये भी है ना बच्चों को पता ही नहीं जाएगा तो क्लास कहाँ से अटेंड करेंगे तो सेवन पी हमारी ये क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे अब क्या है कि यहाँ पे जो भी कुछ मैं पढ़ाती हूँ जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो एम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो मैं आपको अनएकेडमी के ऐप पे कराती हूँ तो आपको पता है हमने ऑलरेडी मिडीवियल uh, का जो शुरुआत करी है उसके अंदर आपका ट्राई स्ट्रगल के क्वेश्चन कर लिए ऐप पे हमने आपके जो चोलाज हैं इम्पीरियल चोलाज उनके क्वेश्चन को कर लिया ना हमारा राजपूत किंगडम जो है है ना राजपूत किंगडम्स जो है इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला लेक्चर था वो प्लस आपका जो गजनावित एंड घुरीद अटैक्स हैं ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है बट इसके एमसीक्यू हमने नहीं, नहीं किए तो इनके एमसीक्यू की क्लास कल है आपकी अनकेडमी की एप पे ट्वेल्व पी एम यानी ट्वेल्व नून में लिख देती हूँ उसको ठीक है तो दोपहर में बारह बजे आपकी अन अकेडमी की एप पे ये क्लास है एमसीक्यू की तो इसको ज्वाइन कर लेना बच्चों देखो जैसे बताते हैं वैसा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा वरना फिर आप कहोगे क्लासेस अटेंड करके फायदा नहीं है हर साल हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं है ना तो मैं नहीं चाहती कि आप आज मेरी क्लास देख रहे हो अगले साल भी आप मेरी क्लास देखो मैं चाहती हूँ कहीं पर सेलेक्ट हो जाए और आप बाकी बच्चों को रिकमेंड कर रहे हो कि मैम की क्लास देखो दैट शुड बी अवर अल्टीमेट एजेंडा है ना क्लास में भीड़ तो ऐसे तो नहीं है कि हर साल इकट्ठे करते जाओ बच्चों को ऑब्वियसली आपको सक्सेस जो है है ना वो चाहिए आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए वो हमारा और आपका अल्ट, अल्टीरियर जो मोटिव है वो वही है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब पढ़ा देती हूँ तो खुद अपने अच्छे खासे एमसीक्यूज बनाती हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ राइट right? उसके बाद में हम क्या करेंगे एक बार जब हमारा मिडीवियल पूरा हो जाएगा तो हम मिडीवियल के जो है उसको भी एंशंट की तरह कवर कर लेंगे तो बहुत जरूरी है कि आप सेशन अटेंड करें लाइव नहीं देख पा रहे किसी वजह से तो पोस्ट लाइव देखें और फिर क्वेश्चंस जो है उसको भी सॉल्व करें सो अनडमी की ऐप आप पे आपका कल ट्वेल्व नून राजपूत किंगडम गजनाबित घुर अटैक्स जो है उसका ये है लेक्चर है ठीक है और मैं जैसे ही स्लेव डायनेस्टी वाला क्लास क्रिएट करूंगी या फिर एक चीज करेंगे जो आपकी स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी है है ना इन दोनों को पूरा करके फिर आपकी एक क्लास ले लेंगे एमसीक्यू की की ऐप पे तो वो मैं टाइम आपको नोटिफाई कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे क्लासेस के अपडेट आते हैं जैसे अभी भी ये क्लास शुरू करी है तो उससे पहले भी मैसेज भेजा था क्लास शुरू करते भी मैसेज पिनअप किया है राइट चलो अब मेरी बात को तो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाना ठीक ठीक है, है? है, सब लोग अपना pen, paper निकाल लो और जब मैं बोलती जाती उसको थोड़ा थो समझते जाना, है ना तो दिल्ली सल्तनत, सल्तनत की जो फर्स्ट डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी उसकी नींव या उसकी फाउंडेशन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से रखी 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में राइट और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है ठीक है तो अगर हम देखें तो एक बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं इस डायनेस्टी को स्लेव या मामलुक डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपके मोहम्मद गौरी जो है उनके स्लेव थे और टर्किश ट्रेडिशन में वो स्लेव्स जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उनको मामलुक कहते थे तो इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी पड़ गया और मोहम्मद गौरी की जब 1206 में डेथ हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं वो स्लेव डायनेस्टी जो है है ना उसकी फाउंडेशन को रखते हैं वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं नो डाउट यलदूद जो है उससे उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है बट अल्टीमेटली आपके जो गियासुद्दीन महमूद है जो मोहम्मद गौरी के बाद में आपकी घूर की सीट पे बैठे थे उनसे वो क्या करते हैं वो ऑथोरिटी लेटर मंगा लेते हैं कि आप मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान जो है वो घोषित कर दो और घियासुद्दीन महमूद ये कर भी देते हैं सो ट्वेल्थ जीरो नाइन में ऑफिशियली आप क्या देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हिंदुस्तान का सुल्तान बन जाता है मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनको सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, है ना सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और मैंने कहा था कि आपको जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं उन्हें ये अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो बेसिकली आपके जो सूफी सेंट हैं सूफी संत थे चिश्ती सिलसिला से तो उन्हीं की याद में आगे चल के है ना उन्होंने कुतुबुद्दीन एबक ने आपकी कुतुब मीनार जो है इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया था बट उनके टाइम पे केवल इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसका कंस्ट्रक्शन हो पाया था आगे चल के आप क्या देखेंगे इसका जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है वो करवाते हैं और आगे आपको देखोगे तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी इसमें रिपेयर वर्क होगा और जो आपका फोर्थ फ्लोर है इसको मार्बल से है ना इसको मार्बल से बना दिया गया है रिपेयर वर्क में और एक और फ्लोर जो है वो एड कर दिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी को कोई confusion जो है, वो नहीं होना चाहिए। आ, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इनके जो कोर्ट पोएट हैं वो हस्त निजामी थे है ना हस्त निजामी जो है वो इनके कोट पोएट थे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं इनके पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो पा रहा है क्योंकि

लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं हसन निजामी जो है वो इनके पोएट थे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आ, इन्होंने अपनी कैपिटल जो है उसको भी लाहौर शिफ्ट किया था बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से उस टाइम पे इनको काफी थ्रेट थी स्पेशली याल्दूज जो है उससे जो कि गजनी का गवर्नर था उस टाइम पे और ग्यासुद्दीन महमूद जो है वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो याल्दूज को कवर करके रखें या उसको अपने कंट्रोल में रखें तो लाहौर अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करी थी इसके अलावा तो और डिटेल में पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। so, मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है शुरू किया हमने अभी भी डिस्कस करा ये सब और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनको डेडिकेटेड थी ये मीनार राइट right? और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है राइट एंड इल्तुतमिश जो है जो इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर होंगे वो इसको कंप्लीट करेंगे आगे चल के तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे फिरोज शाह तुगलक जो है वो भी इसको रिपेयर करवाएंगे आपको लोधी डायनेस्टी में भी देखने को मिलेगा कि इस पे कुछ काम होता है बट दैट इज ऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ठीक है दैट इज अंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बाकी मैंने कहा था क्वातुल इस्लाम मॉस्क जो है है ना जो दिल्ली सल्तनत के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में हिंदुस्तान में पहली मॉस्क बनाई गई और कुआतुल इस्लाम मॉस्क मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम या ये प्रूव कर रही थी कि किस तरीके से इस्लाम जो है इट हैज एमर्ज विक्टोरियस ओवर इंडिया सो इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1193 में शुरू हुआ और बाय 1197 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहां पे मोहम्मद गौरी का गवर्नर था उसी टाइम पे कंप्लीट कर दिया गया था इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा हमने बात करी थी अजमेर के अंदर एक मॉस्क है बेसिकली ये और ऑफिशियली इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा नहीं कहते हैं बट लोकली लोग जो हैं लोकल पार्लेंस में इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं उसके पीछे की स्टोरीज हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अढ़ाई दिन यानी टू एंड हाफ डेज में ही बनके प्रिपेयर हो गया था या फिर यहाँ पे ढाई दिन का उर्स या मेला जो है वो लगा करता था ऐसी सारी स्टोरीज हैं इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा बट वॉट इज द रियल रीजन नो वन नोज राइट right? बट ये जो बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पे एक शारदा टेम्पल हुआ करता था और एक संस्कृत लर्निंग सेंटर होता था उसको डिस्ट्रॉय करके बनाया गया है और आज भी अगर आप यहाँ विजिट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि हिंदू जो आर्किटेक्चर है, है ना उसके फीचर्स यहाँ पे बहुत क्लियरली और इन्होंने क्या किया था मैंने आपको बताया था कि जो क्वातुल यहाँ पे भी मटेरियल करके जो उनको रबल मिलता था है जो भी इनके पास मलबा होता था उससे ये लोग उसको बनाते थे एंड कई कई बार जो पिलर्स वगैरह है आपके मंदिरों के उनको एज इट इज यहाँ पे यूज कर लिया जाता था केवल जो वहां पे ह्यूमन फिगर्स है एनिमल फिगर्स है उनको डिफेस कर दिया जाता था

ठीक है यहाँ पे आप आर्च देख रहे हो या फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा में आप आर्च देख रहे हो दीज आर फॉल्स आर्चेस दीज आर नॉट ट्रू आर्चेस मतलब ये प्रॉपर आपका जो रोमन आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्किटेक्चर में जिस तरीके से आर्चेस बनाई जाती थी है ना की स्टोन को रख के उस तरीके से नहीं थी ये फर्स्ट ट्रू आर्च हमको देखने को मिलेगी कहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाजा में और मैं आपको बता दू मुझसे मॉक इंटरव्यू में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप चलो दिल्ली में बहुत सिग्निफिकेंट टाइम के लिए रहे हो तो मेहरोली गए हो क्या कभी तो वहाँ पे कुतुब कॉम्प्लेक्स है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहां पे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं तो कुतुब मीनार तो सबको पता होता है है ना कुतुब मीनार सबको पता होता है इस्लाम मॉस्क जो है वो सबको पता होता है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी जो है है ना वो अलाई दरवाजा बनवाते हैं और अलाई दरवाजा जहाँ पे पिंक सैंड स्टोन और आपका व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल होता है वहां पे आपको पहली बार ट्रू आर्चेस भी देखने को मिलेंगी सब जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी एंड इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था उन्होंने कुतुब मीनार की एक कॉपी जो है वैसी एक और एक मीनार जो है वो बनाना शुरू किया था बट इट वॉज लेट उसको अलाई मीनार कहते हैं तो कई कई बार ना वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं बस आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आप केवल किताबी कीड़ा है या आपको थोड़ा बहुत आसपास का भी चीजें पता है सो so भाई ट्वेल्व टेन के अंदर क्या होता है ट्वेल्व टेन के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की तो डेथ हो जाती है अब क्या किया जाए तो इसके ऑफिशियल्स क्या करते हैं इसका एक बेटा है जिसको आराम बख्श या अराम शाह के दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो आराम शाह को अपने रूलर के रूप में देखने को तैयार नहीं थी द रीजन बींग आराम शाह जो है और इसका फायदा कौन उठाता है आप देखेंगे कि दिल्ली के जो नोबल्स हैं वो क्या करते हैं वो कुतबुद्दीन ऐबक का ही जो सनलो है जो कभी उसका स्लेव हुआ करता था है ना? शमशुद्दीन इल्तुतमिश इसको कहते हैं कि आपको आराम शाह के साथ में लड़ना चाहिए एंड आप हकदार हैं इस सीट के यू यू शुड सिट ऑन थ्रोन ऑफ लाहौर है ना क्योंकि लाहौर कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने

इनफैक्ट आप देखोगे कि इब्न बतूता जो हैं मोरक्कन ट्रैवलर जो 13th सेंचुरी में भारत पहुंचते हैं है ना इब्न बतूता जो हैं वो कहते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर है वो आपका कौन है इल्तुतमिश है कौन कहता है ऐसा इब्न बतूता कहते हैं सो so, हम समशुद्दीन इलतुतमिश जो है इनकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है बहुत क्लियर है इट इज जस्ट अ स्टोरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समराइज करती हूँ वो आपको बस ध्यान में रखने हैं लेट मी गो थ्रू योर कमेंट्स सिमरन कह रही है मैम लोग समझ रहे होंगे आराम करेगा तो काम कब करेगा नो डाउट ओके ठीक है सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ठीक है और हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है उनको डिस्कस करेंगे सो यू कैन सी ओवर हियर जो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वो इल्तुतमिश है उसके बाद में आपकी रजिया सुल्तान है और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन है ठीक है एंड यस yes, लास्ट रूलर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो कुछ काम करे चाहे ना करे है ना सो so आपको यहाँ पे देखना होगा कैमूर जो है लास्ट लास्ट रूलर ठीक है तो हम इल्तुतमिश को देखेंगे है ना तो हुआ क्या था पता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हो गई ना उसके बाद में एक तरीके से ये एक साल के लिए सिविल वॉर ही चल रहा था तो इसका फायदा किसने उठाया मेरी बात को ध्यान से सुनना इसका फायदा किसने उठाया आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे मुल्तान का जो गवर्नर है कल मैंने आपको नाम बताया था क्यूबाचा है ना कुबाचा जो है वो खुद को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है और इनफैक्ट आप देखोगे आगे बढ़ के क्या करता है आपका जो पेशावर है है ना पंजाब है इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है इधर आप क्या देखोगे आप देखोगे कि बंगाल वाले एरिया में ये जो डिस्टेंट रीजन है ना? तो बंगाल वाले एरिया में आप क्या देखोगे अली मर्दन खान ये वो इंसान है जिसने बख्तियार खिलजी की डेथ के बाद में खुद को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था अब इसने क्या किया इसने खुद को दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया सो एक तरफ है ना कुबाचा है दूसरी तरफ अली मर्दन खान है और इनफैक्ट आप क्या देखोगे कि आपके जो राजपूत रूलर्स हैं है ना ईस्टर्न राजस्थान के ग्वालियर वगैरह के आप क्या देखोगे राजपूत रूलर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोक्लेम कर दी इस सिविल वॉर का फायदा उठा के दूसरा अगर मैं इल्तुतमिश की आपको बात करूं तो आप क्या देखोगे एक है ना पूरे जो ये सिविल वॉर चला है एक साल इसका फायदा आपके मुल्तान के गवर्नर ने आपके बंगाल के गवर्नर ने उठाया है इधर राजपूत रूलर्स जो हैं जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे आपके घुरद एम्पायर का हिस्सा बन गए थे और बाद में स्लेव डायनेस्टी के अंडर में थे इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही साथ में आप क्या देखोगे इल्तुतमिश क्योंकि स्लेव थे तो बाकी जो नोबल्स हैं देवर है ना बाकी जो नोबल्स हैं उनमें से कुछ जो हैं है ना कुछ तो इसके सपोर्टर थे कुछ जो हैं देवर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज दिस सुल्तान देवर लाइक ये तो स्लेव है ही हैज किल्ड द सन ऑफ द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है ना सो so, इसको हम रूलर की तरह कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं He was facing multiple problem. And not only this, आप क्या देखेंगे आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में

उसके बाद जब घुरीज यहाँ पे आए तो घुरीज के भी ऑक्युपाई करने की चेक करता है। तो ख्वारिज्मी एम्पायर जो है ये पावरफुल है लेकिन आप क्या देखोगे चंगेज खान जो है उसके अंडर में मंगोल्स जो है ये सेंट्रल एशिया में पावरफुल हो रहे थे और ख्वारिजमीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया था अभी आगे जब स्टोरी बताऊंगी तो बताऊंगी कि जो इन्होंने गजनी, गजनी, तो गजनी के अंदर कौन है गवर्नर याल्दूज है ठीक है यलदूज बोलो याल्दूज बोलो यलदूज बोलो जो बोलना है ठीक है तो याल्दूज जो है वो गवर्नर है अब वो क्या करेगा वो वापस दिल्ली की तरफ मार्च करेगा तो उसने कुबुद्दीन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो इल्तुतमिश के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कहेगा कि दिल्ली तो मेरी है so, आप क्या देख रहे हो? इल्तुतमिश जो जो है, उसका जो है, उसका स्टार्टिंग पीरियड थ्रेट ऑन में आप क्या देखोगे का अटैक हो गया बताऊंगी क्यों किया था अटैक ख्वारिजमी एम्पायर पे और मंगोल्स ने क्या किया उन्होंने ख्वारिजमी एम्पायर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गजनी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया ऐसे में इल्तुतमिश के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे थे और इल्तुतमिश जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है सो so, इल्तुतमिश जो है उसने न केवल जो लॉस्ट टेरिटरीज हैं

मैं बताऊंगी आपको क्या थी और किस तरीके से उन, उसने हिंदुस्तान को चंगेज खान के और मंगोल्स के से से बचा लिया और स्लेव डायनेस्टी को अदरवाइज दिल्ली सल्तनत होने से पहले खत्म हो इसीलिए बतूता जो हैं है, है ना वो कहते जो है, he is the हम इसको डिस्कस करेंगे उससे पहले आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है इसको देख लीजिए बिल्कुल यस यहीं पे यस अनोज यहाँ पे इलतुतमिश की जो समझदारी है वो काम आएगी बिल्कुल हम सब चीजें जो है इसको डिस्कस करेंगे अभी इलतुतमिश के पीरियड की उससे पहले आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है इसको आप देख लीजिए एक बार सो आप क्या देखेंगे 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एक हमारा आ, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपका क्विज़ क्विज़ है है लाइव आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैंने की ऐप आप पे आपको कम्युनिटी पे मैसेज भेजा हुआ है दूसरा नवंबर ट्वेंटी सिक्स को सुबह ग्यारह से दोपहर में बारह बजे यानी एक घंटे का आपका यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बेट यानी स्कॉलरशिप टेस्ट है इस एक घंटे के टेस्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे बहुत सारे और जीतने का आपके पास मौका है। लेकिन मैं उनसे अपने को क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं क्या आपकी वीकनेसेस हैं और आपको कहा सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहा आप काम करना चाहेंगे और अगर आप टाइम से काम करना शुरू करते हैं तो तो भाई मई 26 को है है ना इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द डेट तो तब तक तो बहुत टाइम है ठीक है छह महीने हैं इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहो तो ट्राई टू गिव द टेस्ट टेक द फीडबैक पॉजिटिवली ऐसा नहीं है कि भाई टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो टेस्ट देना छोड़ दिया नहीं यार ठीक है मैं आपको सच ही बताऊंगी बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लगे रियलिस्टिक बात बता रही हूँ uh, देखो वेन आई अपेयर इंटरव्यू इन ट्वेंटी ठीक है थर्ड अप्रैल को आई इंटरव्यू एंड उसके आई थिंक कुछ दिनों के अंदर ही रिजल्ट आया एंड कुछ बहुत कम दिन बचे थे एंड अगेन द नेक्स्ट वाज वाज देयर आई नॉट प्रीटी श्योर क्योंकि देखो मेंस का जिस तरीके का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है आप इंटरव्यू के लिए जिस तरीके का प्रिपरेशन करते हो वो से थोड़ा सा अलग होता है जो है वो थोड़ी सी फैक्चुअल ज्यादा होती है।, है ना इतना सारा करंट अफेयर्स कवर करना हर फैक्ट को ध्यान में रखना मेंस में अगर आप बहुत ज्यादा फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखोगे थोड़े बहुत भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखोगे तो चल जाते हैं वहां पे स्टैटिक पोर्शन भी आपको हेल्प करता है

क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना पढ़ा नहीं है उससे पहले पढ़ा तो है ही पूरे साल बट वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता होता है सो वेन आई वो बहुत लेट हो गया था mock test, सब लोग तो फरवरी वगैरह से देना शुरू करते हैं हम जाके अप्रैल में दे रहे थे भी क्या है ना मॉक्स में स्टार्टिंग में आई यूज टू स्कोर वेरी लेस मैं ये भी बता देती हूँ आपको कुछ एटी 90 ऐसा आ रहा था जबकि हमेशा पढ़ना शुरू किया तो आप के बैठ जाती कि भाई नहीं होगा इस साल तो नहीं हो रहा है मेरा प्रिलिम्स में क्योंकि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं एट्टी नाइनटी में कहा सिलेक्शन हो रहा है तो शायद नहीं होता है ना तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ जो भी रिजल्ट आता उसको पॉजिटिवली लो उसके ऊपर काम करो सब कुछ पॉसिबल है यार ठीक है तो रियलिस्टिक एग्जाम्पल बस इसी परपसेस से, से शेयर किया है और कुछ नहीं बाकी यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 ट्वेंटी छह महीने बचे हैं आपका क्रैश कोर्स जो है दिसंबर फर्स्ट से शुरू हो रहा है हमारा रफ्तार बैच तो यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम वो आपको आ, है ना कवर करवाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे इंप्रूव हो जाएंगे राइट तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डिस्काउंट के लिए आप सोन लाइव कोर्ड यूज कर सकते हो इसके अलावा यूपीएससीविल सर्विस ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए एक फाउंडेशन बैच ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है दूसरा आपका शुरू हो रहा है डिसंबर फोर को बेस्ट टीचर्स विल बी टीचिंग यू कॉम्प्रीहेंसिव मटेरियल है प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है सी सेट नए पैटर्न पे वन ऑन वन मेंटोरशिप डाउट सेशन सब कुछ अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं कल तक ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर को रात को बारह बजे तक और कोड यूज करते हो सोन लाइफ एसओ एन एल आईवी तो आपको अपटू फिफ्टी परसेंट ऑफ प्लस का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है तो आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाओगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक है तो आप ये कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑफर लिमिटेड पीरियड है मैंने आपको बता दिया ये नंबर जो है इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है डिटेल्स पूछने हैं तो जस्ट मिनट सॉरी इस पे. बाकी अगर आप ये कोड यूज करोगे तो मेरी फ्री मेंटरशिप भी मिलती है और मैं वैसे भी आंसर कर देती हूँ कुछ है नहीं ठीक है सो अगर आपको कभी भी कुछ गाइडेंस की जरूरत है है यू कैन फील फ्री टू आस्क मी ठीक आई विल बी देयर फॉर यू ये तो मैंने आपको बता ही दिया बाकी यार अपना ऑप्शनल बैचेस भी शुरू होने वाला है तो पी एस आई आर एंथ्रो मैथ्स हिस्ट्री एग्रीकल्चर यहाँ से कुछ ऑप्शनल्स हैं जिनकी लाइव क्लासेस होंगी आपकी और साथ ही में इसी में आपकी टेस्ट सीरीज है जहाँ पे ट्वेंटी प्लस सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं आप इन टेस्ट को दे सकते हैं तो क्लासेस अटेंड करो टेस्ट दो यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसमें जो फीडबैक मिलता है आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे है ना जो भी आपको लगता है कि भाई करेक्ट है लॉजिकली उस एनालिसिस पे फीडबैक पे थोड़ा काम करो एंड ऑप्शनल जो है मैं हमेशा कहती हूँ 500 मार्क्स का होता है और आपके मेंस में सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे 280 से लेके तक स्कोर करना रिलेटिवली इजी है ठीक so, है सो पी वाई करिए क्लासेस अटेंड कीजिए टेस्ट सीरीज दीजिए और उसको भी पढ़ के चले जाओगे फाइनल डेज में तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक तो, है तो वही है एथिक्स है एस ए है और आपका ऑप्शनल है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस में मोर और लेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग एट द सेम लेवल बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कोई डिफरेंस होता नहीं है यहाँ पर तो so बैचस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है डिस्काउंट के लिए कोर्स सोन लाइव है अपने सारे कोर्सेज पे ईएमआई या मंथली इंस्टॉलमेंट है जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे आप अवेल कर सकते हो और अपना प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो चलिए कहानी जो है उसे आई थिंक दोस्तों तो वी हैव डिस्कस्ड चलिए ठीक है है आगे की जो कहानी है, उसको सुनते हैं और आप अपने जो हैं वो साथ साथ में ले सकते हैं। देखो पे इसीलिए मैं लिख के भी लाती हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि स्पेलिंग वगैरह में या कोई पॉइंट थोड़ा बहुत छूट जाए तो आपको मिस करो ठीक है बाकी जैसे मैं कहानी बताती जा रही हूँ उसको सुनते जाना तो मैंने आपको क्या कहा कि वे इलतुतमिश जो है इसका मैं डेट थोड़ा सही कर देती हूं। me, पे रहे, तो मैंने आपको कहा कि उसको बहुत सारी फेस करनी पड़ रही है उसके ही जो गवर्नर्स है मुल्तान का कुबाचा इधर अली मर्दन खान है बंगाल में उसने रिवोल्ट कर दिया है एंड डिक्लेयर्ड डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंट इनफैक्ट कुबाचा जो है वो तो आगे बढ़ के लाहौर और पंजाब जो है उसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं इधर राजपूत जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं है ना सो आपका जो कालिंजर है आपका ग्वालियर है आपका ईस्टर्न राजस्थान है है ना अजमेर बयाना वगैरह ये सारा जो एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे आपके स्लेव डायनेस्टी के अंडर में था इन सब ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है राइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस ये एक प्रॉब्लम है तो ये क्या करता है सबसे पहले ये कहता है कि चलो मुझे ना लाहौर से कैपिटल जो है उसको दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए राइट यहाँ पे अभी, अभी अनुज कह रहे थे फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली बैक बिल्कुल है ना सो so, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको मजबूरी के अंदर कैपिटल दिल्ली से लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी थी क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट से यलदोज जो है उसका बहुत बड़ा थ्रेट था बट उसके बाद में आप क्या देखोगे इलतुतमिश क्या करता है सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले मुझे दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करना है उसके पीछे का रीजन क्या है दिल्ली की पोजिशन ज्यादा सेंट्रल है आप दिल्ली के अंदर अगर बैठे हैं तो आप बंगाल भी अपनी आर्मी भेज सकते हैं आप चाहे तो मुल्तान वगैरह भी भेज सकते हैं और आप ये जो राजपूत जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है आप इनके ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं So, rather than Lahore, दिल्ली जो है वो आपकी स्लेव डायनेस्टी के टेरिटरीज के ज्यादा सेंट्रल पोजिशन पे था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलतुतम जो है वो क्या करता है दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाता है तो ही शिफ्टेड कैपिटल बैक फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली फर्स्ट स्टेप उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उसके खुद के कुछ ऑफिसर्स जो हैं कुछ जो नोबल्स हैं उसके कोर्ट में दिल्ली में वो उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे तो इसने क्या किया इनका मुंह कैसे बंद करवाया जाए तो सबसे पहले इन्होंने कहा यहां देखिए इसने क्या किया इसने कहा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना सबसे पहले अपना जो घर होता है उसको संभालना होता है और फिर आप बाहर की तरफ जाते हो तो इल्तुतमिश ने क्या कहा कि कई सारे नोबल्स हैं

है ना वो होंगे और ये जो है ये मुझे सलाह दिया करेंगे सो यहाँ पे मैं आपके साथ में पावर शेयर करने को तैयार हूँ ठीक है तो इसने क्या किया जो बहुत ज्यादा हॉटी होते हैं एकदम है इगोस्टिक थे जो यहाँ पे नोबल्स और आ, उनका ईगो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इसने क्या कहा कि चलो हम एक बॉडी जो है वो बनाते हैं इसको हम तुर्क ए चहलगानी जिसके अंदर फोर्टी जो नोबल टर्क हैं वो प्रेजेंट होंगे और ये जो टर्स हैं ये मुझे एडवाइस करेंगे डिफरेंट मैटर्स के ऊपर ये सुल्तान को एडवाइस किया करेंगे तो इस तरीके से पावर आपके साथ में भी शेयर होगा ठीक है तो सबसे पहले इसने ये काम करा दूसरा दूसरा क्या है आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं अली मर्द खान जो है उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है दूसरी तरफ आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुबाचा जो है उसने खुद को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और मुल्तान तक ये पहुंच गया है राजपूत जो है उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है है ना और साथ ही साथ में हम क्या देख रहे हैं हम इधर देख रहे हैं एक और मेजर डेवलपमेंट 1215 के अंदर मैंने आपको बताया कि आपका जो ख्वारिजमी एम्पायर है वो क्या करते हैं वो आपकी जो गजनी है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जब गजनी को ऑक्यूपाई किया तो जो है, फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड क्लेम ऑन यहाँ पे आप क्या देखोगे इल्तुतमिश जो है एक और बैटल ऑफ दराय होता है 1215 फिफ्टीन में यहाँ पे यल्दुज को हराता है यलदुज को हराता है तो आप क्या देख रहे हो गजनी गजनी में कौन आ गया है ख्वारिज्मी एम्पायर आ गया है अब इल्तुतमिश जो है मेरी बात को ध्यान से सुनना इल्तुतमिश जो है वो इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है कि उनके यहाँ पे कुबाचा जो है वो उनके पावर को नहीं मानता बंगाल जो है वहां पे जो गवर्नर है उसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है राजपूत जो है ये अभी भी थ्रेट है बट उसका ध्यान जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ जाता है एक यलदूद जिस तरीके से मूव करके दिल्ली की तरफ बढ़ता है उसके वजह से और दूसरा एक और मेजर डेवलपमेंट होता है वॉट वॉज दैट है ना वॉट वॉज दैट डेवलपमेंट आप क्या देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि 1220 की बात है चंगेज खान है ना जो मंगोल रूलर है और आपके सेंट्रल एशिया के अंदर रूल कर रहा था ये क्या करता है ये ख्वारिज्मी एम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है और इसमें गजनी जो है इट वॉज रिड्यूसड टू ना मंगोल्स का ये बहुत क्लियर था वो क्या करते थे मेरी बात को ध्यान से सुनना Mongols ना पहले आपको वार्निंग देते थे ठीक है पहले आपको वार्निंग देते थे वो बहुत क्लियर था उनका कि आप जो है वो हमारे रूल को एक्सेप्ट कर लो और हमें जो है आपके टेरिटरीज में आने दो लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर एंड टाइम टू टाइम बस हम रेवेन्यू कलेक्ट करने आएंगे आपसे बट अगर कोई भी सिटी जो है वो यहाँ पे डिफाइंस शो करती थी या उनकी बात को नहीं मानती थी देन मंगोल्स वेरी रूथलेस एशेस पूरा राख में मिला देते थे ख्वारिजमी एम्पायर पे अटैक करने का रीजन क्या है आप क्या देखेंगे कि ख्वारिजमी एम्पायर से होकर के आपके जो मंगोल्स हैं उनके कैरावन जाया करते थे अब यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो हमारे आ, है ना आ, ट्रेडिंग कैरावन हैं है ना इनको आप जाने दीजिए ख्वारिजमी एम्पायर जो है उसने मंगोल्स का यहाँ पे जो एनवॉय आया था उसको कोर्ट के अंदर बीहेड कर दिया यानी ही वाज किल्ड इन द कोर्ट्स ऑफ ख्वारिजमीज एट गजनी और इसके बाद में चंगेज खान जो है वो क्या करता है वो ख्वारिजमी एम्पायर पे अटैक करता है 1220 ट्वेंटी की बात है ख्वारिज्मी एम्पायर के अंदर यहाँ पे इस टाइम पे जो ख्वारिजमी शाह है उसका बेटा जलालुद्दीन मंग बरानी है ना ये आपका ख्वारिजमी प्रिंस ये चंगेज खान से अपनी जान बचाते हुए क्या करता है इंडस को क्रॉस करता है और यहाँ पे लाहौर में उस टाइम पे इलतुतमिश स्टेशन था अपनी आर्मी के साथ में क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत खतरा था पहले यलदूज आया है ख्वारिजमी से भाग के फिर ख्वारिजमी थ्रेट है और अब मंगोल थ्रेट बन सकते हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के ऊपर ही था तो वो क्या करता है यहाँ पे वो देखता है कि जलालुद्दीन मंग बरानी उसके पास आता है और वो कहता है प्लीज प्रोवाइड मी शेल्टर है ना आप भी टर्क्स हैं, हम भी हैं, प्लीज टर्स दी शेल्टर यहाँ पे इल्तुतमिश कहता है अगर मैंने इसको शेल्टर दे दिया तो क्या होगा कि नेक्स्ट चंगेज खान का टारगेट जो है वो दिल्ली बनेगी दैट्स फॉर श्योर एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट वी आर नॉट रेडी फॉर इट तो वो जलालुद्दीन मंगबरानी को बहुत ही है ना डिप्लोमेटिक तरीके से कह देता है कि सी आई कैन नॉट हेल्प यू आउट है ना द रीजन बीइंग इफ आई विल हेल्प यू आउट देन वी विल बिकम द नेक्स्ट टारगेट ऑफ मंगोल्स एंड वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू हैंडल द मंगोल रेड और इल्तुतमिश ने ये जो डिसीजन लिया ये बहुत ज्यादा क्रूशियल था अगर उसने उस टाइम पे जलालुद्दीन मंगबरानी को है ना शेल्टर दे दिया होता शरण दे दी होती तो हम आपके सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फंस जाते एंड पॉसिबली मंगोल्स जो हैं वो स्लेव डायनेस्टी को खत्म करते ही करते न जाने दिल्ली जो है उसको उनके अटैक से रिकवर करने में कितना टाइम लग जाता तो आप क्या देखेंगे कि ट्वेल्व के अंदर चंगेज खान और मंगोल आर्मी जो है वो इंडस के बैंक्स तक आती है लेकिन इंडस को क्रॉस नहीं करती है और इसके अंदर इलतुतमिश जो है है ना उसको श्रेय जाता है

तो अक्सर क्या होता था आप देखोगे कि जो भी आपका पूरा एम्पायर होता था जो आपकी टेरिटरी होती थी वो आपके जो बेटे हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाती थी तो क्या देखोगे आप 1226 के अंदर चंगेज खान की डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसके बेटे जो है पहले सिविल वॉर में उलझ जाते हैं और उसके बाद में चंगेज खान की जो टेरिटरीज हैं उनको डिवाइड कर लिया जाता है आपको अलग अलग मंगोल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन चंगेज खान के बेटों का क्या नाम है आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो पूरी टेरिटरीज है उसके चार बेटों के बीच में बट जाती है ये थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए क्यों क्रिएट किया वो उसके बाद में किस तरीके से उसने सक्सेसफुली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है उसको डिफेंड किया पहले क्वारिजमिस से है ना और उसके बाद में मंगोल्स के रेड से भी बचा लिया अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज करते हुए इसके लिए जाना जाता है नाउ जब बाहर का ट्रबल थोड़ा सा शांत हो गया मंगोल्स अपने मसलों में फंसे हुए थे तो फिर इल्तुतमिश ने कहा चलो अपना घर जो है उसको अब वापस से संभाला जाए आप इस टाइम पे क्या देखेंगे अली मर्दन खान जो है है ना उसके बाद में अब यहाँ पे फिर से आपको बंगाल में क्या देखने को मिल रहा है एक और रिवोल्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इवाज खान नाम का एक इंसान है जिसने खुद को बंगाल बिहार का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया है और दिल्ली सल्तनत जो है उससे अपनी टाइस को ब्रेक कर लिया है तो यहाँ पे इल्तुतमिश का जो बेटा है नसीरुद्दीन महमूद है ना उसको फोर्सेस के साथ भेजा जाता है और इवास खान जो है वर अगेन मेड दिल्ली सल्तनत एंड ये कब का बात है ट्वेल्व ट्वेंटी मैं आपको क्यों बता रही क्रोनोलॉजी के एग्जाम में अक्सर आया करते हैं ऑलरेडी दो क्वेश्चन लगातार दो साल पूछे गए हैं

2017 के अंदर ही उसने सप्रेस कर दिया था ठीक है किसने इल्तुतमिश ने और कुबाचा जो है उस आ, वो अब जहाँ पे वो आपका लाहौर है पंजाब है पेशावर वगैरह इनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था ना पेशावर है लाहौर है पंजाब इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था हिज एम्बिशन वर चेक एंड ही वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट दी स्लेव डायनेस्टी रूल इन मुल्तान ऑल्सो सो आप गवर्नर हैं गवर्नर बन के

और उसके बाद में बंगाल बिहार जो है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया तो नेक्स्ट पे जाएगा वो नेक्स्ट राजपूत जो है उसको उसको टैकल करना है तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है शुरू में है ना तो फर्स्ट प्रॉब्लम को उसने किस तरीके से डील किया नॉर्थ वेस्ट में जो है ना कुबाचा जो है उसके रिवोल्ट को उसने किस तरीके से सप्रेस किया और डील किया नॉर्थ वेस्ट में जो ट्रबल था उसको उसने किस तरीके से डील किया है ना बंगाल के अंदर किस तरीके से जो ट्रबल था अली मर्दन खान खान का का उसके बाद इवास खान का, उसको उसने सक्सेसफुली डेल्ट किया एंड अब आप यहाँ पे क्या देखोगे राजपूत जो है जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर दी थी उसकी तरफ इसका ध्यान जाता है तो यहाँ पे देखिए आप क्या देखेंगे कि ये जो है

दो गुजरात में बहुत लूट मचाई गई जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ने या ने या पाटन उसको उसको लूटा था तो अब इल्तुतमिश जो है, जो है 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 उसने भी गुजरात ना प्लेंडर किया लूट किया लेकिन गुजरात जो है इस पे अपना अंडर दि स्लेव डाइनेस्टी एंड दिस पर्टिकुलर गुजरात कैंपेन वॉज अ तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका राजस्थान है उसके रणथम्बोर वगैरह पे तो ये अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता ना गुजरात के ऊपर कर पाता है लेकिन आपका जो मंडोर है आपका जो जालोर है ये जो साउथ वेस्टर्न राजस्थान में है इन पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है वो और आपका जो अलवर के पास में बयाना है ग्वालियर है इनको भी वो ऑक्यूपाई कर लेता है तो दिल्ली का जो फ्लैंक है है ना आपके बयाना ग्वालियर फोर्ट से जो बना हुआ था और इसी वजह से मोहम्मद गौरी ने भी इनको ऑक्युपाई किया था राइट तो ये क्या करता है इनको वापस से रिकवर कर लेता है तो इसीलिए कहा जाता है ही इज द रियल कॉन्सोलिडेटर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इतना सबको समझ में आ गया लेट मी गो थ्रू यूर कमेंट्स बच्चों मैं आपके कमेंट्स को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मैं बहुत ज्यादा के चक्कर में जाऊंगी तो कॉन्टेंट कवर नहीं होता है so, I have this problem. <laughs> कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। स्टोरी याद आ रही है, है न? चलो, good punima. हाँ अनुज बिल्कुल नसीरुद्दीन जो है वो बहुत सारे हैं आई कम्पलीटली अग्री विद यू बट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है

कृति बिल्कुल आते हैं इस पे भी बताते हैं आपको आगे की कहानी भी नहीं अजय ठीक है अजय यहाँ पे पूछ रहे हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी था लेट मी क्लेरिफाई इसीलिए मैं बार बार उस पर रही थी वो कह रहे हैं मैम मंगोल आक्रमण की शुरुआत के टाइम से हुई ना इंडिया में नहीं मैंने आपको इसीलिए कहा कि चंगेज खान डिड नॉट क्रॉस इंडस वेली है ना ही डिड नॉट क्रॉस बैंक्स ऑफ इंडस या सिंधु नदी जो है उसके किनारों को वो क्रॉस करके नहीं आया ख्वारिजमी प्रिंस जो है sent back by कि भाई नहीं मैं आपको शरण दे सकता यहाँ पे वापस जाओ और जो डील करना है करो मैं बताऊंगी कब आएंगे इंडिया में मंगोल अटैक कब शुरू होंगे मैं आपको स्पेसिफिकली रूलर का नाम भी बताऊंगी ठीक है सो जस्ट वेट आई विल यू एवरीथिंग प्रज्ञा 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 होल्ड योर हॉर्सेस ठीक है आई विल एक्सप्लेन सहारनपुर की भूमि से प्रणाम प्रणाम uh, सिमरन कह रही ठीक है सिमरन चलो मैं बताऊंगी सब बताऊंगी आप लोगों को ठीक है तो uh, जो भी है आपके एनसीआरटी के हिसाब से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आई विल यू एवरीथिंग सो यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखते हैं कि के टाइम पे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हुए क्योंकि आप यहाँ पे क्या देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक सिस्टम जिसको इकतादारी सिस्टम के नाम से जाना जाता है उसकी शुरुआत करी थी तो क्या होता था बेसिकली मेरी बात को ध्यान से सुनो जितना भी टोटल टेरिटरी आपके हाथ में है उस टेरिटरी को इकता, या इकता मतलब होता है पीस ऑफ लैंड तो उसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता था तो एंटायर जो स्लेव डायनेस्टी की टेरिटरी है आपके कंट्रोल में आप क्या करोगे आप उनको डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर डिवाइड करोगे और फिर ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पे आप जो आपके ट्रस्टेड नोबल्स हैं या आपके जो प्रिंस हैं है ना ये आपके प्रिंस भी हो सकते हैं और ये आपके ट्रस्टेड नोबल्स भी हो सकते हैं ठीक है उनको एज अ इकतादार यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था और ये जो इकतादार होते थे इनका क्या काम होता था इनका काम होता था यहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको चलाना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था उसको बनाए रखना यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपनी सैलरी का जो हिस्सा है in return for services to the uh, diner, uh, in return to services to the empire you will be cutting a share out of this collected revenue so, to yahan pe aapko salary nahi di jati thi dhyan se suniyega isliye medieval period hai ye hai na medieval period mein aap in general kya dekhoge land was very important तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है आपका जो entire area है उसको different pieces या parcels of land, जिसको हम administrative unit कह सकते हैं उसमें divide कर दिया जाता था और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं यहाँ पे क्या किया जाता था आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए जाते थे और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनका काम होता था एक वहां पे प्रशासन व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था उसको बनाए रखना यहाँ से रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करना और इस रेवेन्यू में से एक शेयर जो है वो अपनी सैलरी के लिए कट करना एक शेयर सेंटर को भेजना एंड ऑब्वियसली यस

And here officials who were known as iktadars were appointed. These officers, in lieu of their salary, were given the order to maintain first you know, to perform certain functions like administration, law and order, right? Revenue collection. And out of this revenue collected, they used to take you know, home their salary. They used to maintain army and sufficient number of horses, and also a part was sent to the center. और जब जरूरत पड़े तो इस आर्मी को आपको सुल्तान के लिए भेजना पड़ता था ठीक है आगे चल के आप देखोगे किसी को रिफॉर्म किया गया है ना इक्तादारी सिस्टम को ही रिफॉर्म किया गया और हम अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ये हो गया दूसरा दिल्ली सल्तनत का और स्लेव डायनेस्टी का पहला रूरल रूलर जिसने खुद की अपनी करेंसी इशू करी वो कौन है शमशुद्दीन इलतुत

है ना चार साल में कोई क्या ही कर लेगा यार इसको सही करते जाना आप लोग यहाँ पे ट्वेल्व यह इलेवन है है ना ट्वेल्व इलेवन है आ, तो ये हो गया इसके अलावा और क्या किया गया इसके द्वारा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने जो कुतुब मीनार का काम जैसे मैंने पहले बता दिया आपको है ना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी इसको फिनिश किया इस पे तीन और मंज, मंजिल जो है वो ऐड करी है ना सो थ्री मोर स्टोरीज वर एडेड टू दी उसको मार के फिर रूलर बना है और बहुत सारे नोबल्स जो है अभी भी उसके रूल को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो क्यों ना एक काम किया जाए इस टाइम पे अब्बास खैलीफे दो ये नाम के लिए रह गया था है ना ये केवल नाम के लिए रह गया था मैंने आपको बताया था कि बाय द एंड ऑफ नाइन्थ सेंचुरी अब्बासिद खलीफेट वॉज डिक्लाइनिंग है ना आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस फैक्ट So, कहा गया कि जो अब्बासिद कैलिफेट है है ना जो खलीफा है बगदाद में बैठे हुए हैं उनसे क्यों ना एक लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो मंगा लिया जाए जहाँ पे ये लिखा होगा कि इल्तुतमिश जो है मैं खलीफा हूँ है ना पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का मैं खलीफा हूँ आई एम द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर और आप मेरे बिहाफ पे अलग अलग एरियाज में रूल कर रहे हो तो मैं इल्तुतमिश को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित करता हूं आपको मुझे बताना है कि ये जो लेटर ऑफ अथॉरिटी मंगवाया जाता था आगे आपके फिरोज शाह तुगलक भी मंगवाएंगे मैं आपको बताऊंगी ये सब भी इसको किस नाम से जाना जाता है वॉट वॉज द टर्म यूज फॉर इट टर्मिनोलॉजी में लेट मी गो थ्रू कमेंट्स बताइए मंसूर याद है किसी को M -A -N -S -U -R. जी मंसूर बिल्कुल ठीक तो है तो इसको क्या कहते थे इसको मंसूर कहा जाता था तो ये मंगवाया जाता था कि भाई अब्बासिद अब्बास भले ही डिक्लाइनिंग है ठीक है और बाद में आप देखोगे ऑटोमन टर्क्स जो है इनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं 1453 में ऑटोमन टर्क्स जो है वो सबसे पावरफुल हो जाते हैं हमें एक नया कैलिफेट देखने को मिलता है बट डिक्लाइनिंग है लेकिन फिर भी है तो खलीफा तो उनसे लेटर ऑफ अथॉरिटी मंगवाया जाता है सो so, ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इनके पीरियड में अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको देखना होगा इनका जो टुम्ब है अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टुम्ब है वो लाहौर के अंदर है ठीक है एंड आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है उन्होंने अपने ही टाइम पे अपना जो बेटा है his eldest son Nasiruddin Nasiruddin Mahmud Mahmud he died actually so जो in है aur ye aapko कुतुब complex के अंदर hi milega मतलब, आपको, आपको देखने को मिलेंगे इसमें तीन एंट्रेंसेज है ठीक है so, सो आपके नॉर्थ में एक एंट्रेंस है आपके साउथ में एक एंट्रेंस है आपके ईस्ट में एक एंट्रेंस है और आपका जो वेस्टर्न वॉल है जो आपका काबा को फेस करता है मक्का को फेस करता है यहाँ पे मिहराब जो हम कहते हैं संगमरमर से मिहराब बनवाया गया था और यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है नो डाउट अबाउट इट यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय करके जो भी मटेरियल मिला था है ना उसको यूज किया गया है इसके अलावा आप देखोगे कि इनके पीरियड में जो इम्पोर्टेंट और कंस्ट्रक्शन है देखो ऐसे ना आपके आ, मस्जिद वगैरह भी बनवाई गई यूपी वाले एरिया के अंदर बट ठीक है है ना नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सो बस आपको थोड़ा सा बता देती का, आ, काफी सारी यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है इन जनरल बट कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको पता होना चाहिए कि का टुम्ब भी है इसके अलावा आपके मेहरोली में गंदक की बावली है बावली इज नथिंग बट स्टेप वॉल स्टेप वेल गंदक की बावली वहां पर अनंग पाल की बावली भी है है ना जो अनंग पाल सेकंड है जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था तोमर्स की उन, उन्होंने उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी और यहाँ पे गंधक की बावली है इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी है गंधक की बावली दरअसल ये जो वेल जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड थी स्टेप वेल यहाँ का जो पानी है उसके अंदर सल्फर का कॉन्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्किन क्रीम्स वगैरह आती हैं, है ना जो आपके स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए क्रीम्स आती हैं, उनमें सल्फर का कंटेंट होता है So, यहाँ पे ये जो बाउली वाला रीजन है यहाँ पे पानी के अंदर सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा था और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो यहाँ पे जो दूर दराज से उनकी है ना यहाँ पे विजिट करने आते थे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनके रिक्वेस्ट पे कहा जाता है कि ये गंधक की बाउली जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पे जो विजिटर्स आते थे अगर उनको किसी तरीके का कोई स्किन डिजीज है तो इस पानी को यूज करके वो अपना मुंह हाथ पैर जो धोते थे जहाँ पे भी उनको इन्फेक्शन है वो सही हो जाता थाउली so, और स्टेपवेल गंधक की बाउली वॉज बेसिकली यूज बाय कुन बख्तियार का जो सूफी सेंट है, उनके जो द्वारा टू डिजीजेस uh, लेट मी गो थ्रू योर कमेंट्स तो भाभी को पागल कहते <laughs> अरे यार तुम लोग लेट मी गो थ्रू योर कमेंट्स आज तो हॉन्टेड है अच्छा भाभी नाम गए थे वहां पे बिल्कुल आ, मैं आपको कल परसों बता रही थी गणेशवर हमारे नीम का थाना में ही आता है है ना सो नाउ इट इज अ डिस्ट्रिक्ट सो uh, so, आप देखोगे कि वहां पे जो गणेश्वर है गणेश्वर भी लोग इसीलिए जाते हैं वहां पे हॉट स्प्रिंग्स है और उसके पानी के अंदर ही आपको सल्फर मिलेगा तो इट बेसिकली इज टू ट्रीट योर स्किन डिजीजेस तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे केवल इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रह गया था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ इंडिपेंडेंट यहाँ पे इल्तुतमिश जो है उसने जो लॉस्ट टेरिटरीज है उसको रिकवर किया एम्पायर को कंसोलिडेट किया नॉर्थ वेस्ट को डिफेंड किया ठीक है एक और चीज हमने देखा हसन निजामी जो है वो आपके ही वाज पेट्रोनाइज्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक अब देखोगे कि इल्तुतमिश जो है उनके यहां पे Minhaj us Siraj जो है वो थे जिन्होंने बुक लिखी है आपकी तबकात ए नसीरी तबकात ए नसीरी और ये तबाकत जो है ये बंगाल जो है उसकी जो इनिशियल हिस्ट्री है सल्तनत पीरियड की 50 की, उस बारे में हमें प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में आप देखोगे कि इल्तुतमिश के पीरियड से शुरू होकर के एक मिनट हाँ नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद इनके पीरियड तक की आपकी स्लेव डायनेस्टी की जो हिस्ट्री है उसके लिए भी मिनहाज उस सिराज की ये जो किताब है तबाकत ए नसीरी है ना ये इंपॉर्टेंट है हस्त निजामी की एक बहुत फेमस बुक है ठीक है चलो आप ही अब होमवर्क में करो आपने पॉइंट आउट करें हसन निजामी जो है इनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये स्लेव डायनेस्टी जो है उसके अर्ली पीरियड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इनफैक्ट आपका जो सेकंड बैटल ऑफ तरायण है वहां से आपको यहाँ पे स्टोरी देखने को मिलती है तो सेकेंड बैटल ऑफ तरायण जो है वो किस तरीके से होता है उसके बाद में किस तरीके से मोहम्मद गौरी जो इसका रूल एस्टेब्लिश होता है किस तरीके से उसका एक्सपानशन होता है ठीक है सो so, हसन निजामी जो है उन्होंने स्लेव डायनेस्टी के पीरियड की जो इनिशियल हिस्ट्री है उसको हमें बताया अपनी किताब के अंदर अब आपका होमवर्क है आप बताना हसन निजामी की बुक का नाम क्या है ठीक है चलो सो so, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे इलतुतमिश जो है उनके एक ही बेटे थे काम के नसीरुद्दीन महमूद उनकी भी डेथ हो गई थी कृति नाउ फोकसर उनकी भी डेथ हो गई थी और जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद कि सारे सारे ग्वालियर कैंपेन के लिए गया हुआ था, तो रजिया जो है इनकी बेटी है ना उन्होंने बहुत अच्छे से दिल्ली जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था सो इल्तुतमिश को लगा बेटी हुआ तो क्या हुआ है ना इसको भी हम सुल्तान बना सकते हैं बेटी हुई तो क्या हुआ इसको भी हम सुल्तान बना सकते हैं तो उन्होंने उनको पता था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने उलेमास जो जो उनको मनाना जो नोबल्स हैं जो चहलगानी है उसको मनाना बट मेड श्योर दैट एक्सेप्टेड टू दिस चहलगानी को लगा अच्छी बात है है ना बेटी को रूलर बना के जा रहा है उसके बिहाव पे हम ही रूल करेंगे मैं हमेशा इसकी कंपेरिजन करती हूँ इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी से आप, आपको पता है आ, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के, के बाद में क्यों इंदिरा गांधी जो है उसको कांग्रेस के एक ने सपोर्ट किया था द रीजन वॉज उनको लगा कि इंदिरा गांधी इज अ फीमेल और वो उन पे डिपेंडेंट रहेगी जो कांग्रेस के एल्डर्स हैं उनके ऊपर सो दिस वाज द रीजन कि दो कांग्रेस में ब्रेकअप हो गया कि इंदिरा को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया जाए कांग्रेस की तरफ से या ना किया जाए कैंपेन में है ना इतना सब कुछ चल रहा है इसके बावजूद आप क्या देखोगे कि इंदिरा जो है उनको चूज किया कांग्रेस के एक फैक्शन ने द ओनली रीजन बी उनको यहाँ पे लग रहा था कि वो उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे इनफैक्ट गूंगी गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी को रजिया के साथ में भी कुछ वैसी ही कहानी है सो so, रजिया सुल्तान के लिए चहलगानी को क्या लगा उनको लगा कि ठीक है ना इलतुतमिश कह रहा है तो रजिया को बनने देता है सुल्तान उनके बिहार पे रूल तो हम ही करेंगे सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा पर्दे से ही बाहर नहीं निकलेगी उसकी जो माँ है उन्होंने षड़यंत्रीन फिरोज शाह जो है थ्रोन ऑफ डेली बट यहाँ पे रजिया भी कम नहीं थी उन्होंने क्या किया दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको ही भड़का दिया और चहलगानी का एक सेक्शन तो ऑलरेडी रजिया के साथ में था उनको लगता था रजिया को वही कंट्रोल करने वाले हैं। so, सो रजिया ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली क्या किया दिल्ली की जो जनता है उनको रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ कर दिया और इस तरीके से रजिया जो है वो 1236 के अंदर ही दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी की नेक्स्ट रूलर बनती है इनका जो टाइम पीरियड है कुछ 4 साल का रहेगा बट आप क्या देखोगे कि इनका मेजर पीरियड जो है वो जो रिबेलियंस हो रहे थे चारों तरफ है ना इनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरसी रची जा रही थी चहलगानी जो है उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं थी बाद में आगे चल के बताऊंगी क्यों नहीं थी जैसे इंदिरा गांधी लोगों की आंख में खटकने लगी थी है ना सेम सेम चीज के लिए तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि रजिया सुल्तान जो है वो चहलगानी की आंखों में खटकने लगी थी और जगह जगह पे आप देखोगे अलग अलग एरियाज के अंदर रिवोल्ट होने लगा था इनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाने लगी थी कैरेक्टर एसोसिएशन या जो हम चरित्र हनन कहते हैं वो सब हो रहा था तो उनका पूरा टाइम ना ऑलमोस्ट उसी के अंदर निकल गया बट रिमार्केबल फॉर दिल्ली की गद्दी पे दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल पीरियड में सिंहासन पे बैठने वाली और सुल्तान बनने वाली अकेली महिला रजिया सुल्तान है एंड ये वो लेडी है जो अपनी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे दिल्ली की सीट पे बैठी है किसी ने इसको फेवर नहीं किया ठीक है चलिए रजिया सुल्तान के बारे में आपको बताते हैं ठीक है तो फर्स्ट फीमेल मुस्लिम मुस्लिम रूलर ऑफ साउथ एशिया लिखा हुआ है मैंने आपको बताया अब क्या हुआ था इनसे एक्सेप्ट इनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई वो पर्दे में आएंगी है ना और कोर्ट के अंदर महिलाएं जिस तरीके से एक स्क्रीन के पीछे बैठती थी उस स्क्रीन की चारदीवारी के पीछे बैठेंगी और चहलगानी जो है वो उनको कंट्रोल करेगी उनके बेसिस उनके बिहाफ पे सारे बट रजिया जो है इनफैक्ट मैंने जैसे बताया कि उनके फादर जब ग्वालियर कैंपेन के लिए गए हुए थे तो शी वॉज दूसलिंग जब रजिया सुल्तान बनती हैं तो वो एक चीज नोटिस करती हैं कि भाई पर्दे में रह के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को चलाना बहुत मुश्किल है तो वो क्या करती है वो ये जो पर्दा है है ना वो करना बंद कर देती है। उसके बाद में धीरे धीरे she is like, इतने सारे कपड़े पहन करके सब हैंडल नहीं होता तो ठीक है ट्रेडिशनल फीमेल अटायर जो आप उनसे होंगे खुद कैंपेन लीड करती थी खुद हंटिंग पे जाया करती थी बहुत अच्छी घुड़सवार थी अब इस तरीके की जो फीमेल है और वो भी मेडिवियल टाइम्स के अंदर ऑब्वियसली वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी तो यहां पर ठीक है याकूत करके एक अबिसिनियन एक मिनट स्लेव था पहले ये जो हॉर्स डिपार्टमेंट है रॉयल

तो रजिया को भी समझ में आ गया कि चहलगानी जो है इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके बीच में आपस में फूट है इनके आपस के अंदर बहुत ज्यादा डिविजन है हमें इसका फायदा उठाना चाहिए इसने क्या किया क्या होता था चहलगानी के अंदर जो टर्क्स हैं और जो नॉन टर्क्स हैं यानी कि मान लो कि भारत के जो इस्लामाइज्ड लोग हैं है ना सो so, यहाँ पे जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो हैं तो एक क्या है टर्क्स हैं नॉन टर्क्स हैं या जो पहले टर्क्स आए या बाद में टर्क्स आए राइट right? या? तो इनके बीच में हमेशा ना आपस में लड़ाई चलती रहती थी तो आप देख सकते हो कि ये जो नोबल्स हैं है ना ये बस केवल हॉटी पर्सनैलिटी थी इनकी दे, वेरी इगोइस्टिक हमेशा बस आपस में लड़ते रहते थे और इसमें भी डिविजन था टर्क नॉन टर्क का है ना पहले कौन आया बाद में कौन आया रजिया ने इसका फायदा उठाया और धीरे-धीरे इसने क्या करना शुरू किया कि चहलगानी में अपने ट्रस्टवर्दी और जो नॉन तुर्क्स हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो एग्जिस्टिंग चहलगानी को पचाने जस्ट लाइक इंदिरा गांधी ठीक है सो दिस फैक्ट वाज नॉट डाइजेस्टेड इजीली बाय द एग्जिस्टिंग चहलगानी सो चहलगानी या जो इल्तुतमिश के टाइम के पावरफुल नोबल्स थे दे टर्न अगेंस्ट रजिया जो मैं बता रही थी आपको अब स्लेव है ये हॉर्स डिपार्टमेंट को संभाला करता था और धीरे धीरे दो ये एक अफ्रीकन स्लेव है रजिया ने क्या किया इसकी पोजीशन या इसका रैंक जो है इसको इंप्रूव रैंक जो है है ना उसको इंक्रीज किया एंड धीरे धीरे आप क्या देखोगे ये रजिया की जो मिलिट्री है उसी को संभालने लगा जितनी भी उसके पास में आर्म फोर्सेस होती थी रजिया सही है नहीं है, है, ना, स्टोरी करेक्ट क्या है नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वाकई में याकूत और रजिया जो है उनका अफेयर था और इसके बारे में जब चहलगानी को खबर मिली तो उन्होंने इसका क्या करना शुरू किया उन्होंने इसको अपने एडवांटेज पे यूज किया और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके नोबल्स थे जो इल्तुतमिश के टाइम पे काफी पावरफुल हुआ करते थे फीलिंग है ना उनको एक शिकायत तो थी ही थी रजिया सुल्तान से उसके बाद में अब रजिया के कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए उनके पास एक मौका है कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है या कुछ बस हेल्प कर देता था रजिया को थोड़ा बहुत है ना व्हेन शी वाज लाइक गोइंग फॉर हॉर्स राइडिंग और ऑल एंड यहाँ पे बस केवल कहानी बनाई गई उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट करने के लिए क्योंकि किसी भी महिला को अगर आपको नीचे दिखाना है है ना आप उसका कैरेक्टर असेसिनेशन कर दो चरित्र हनन कर दो आप देखते हो ना ऑनलाइन कमेंट्स में कुछ लोग आते हैं है ना बदतमीज होते हैं बहुत ज्यादा कुछ-कुछ फीमेल टीचर के बारे में लिख के चले जाते हैं उनको लगता है उनके घर में तो फीमेल्स है नहीं एंड आई डोंट वांट टू इवन अब्यूज देयर फैमिली मेंबर्स क्योंकि इट एट द एंड ऑफ द डे वो भी फीमेल है ना दिस इज व्हाट इज बींग डन आपको नीचा गिराना है तो आसान तरीका होता है रजिया सुल्तान के साथ ये सब हो रहा था आप क्या देखेंगे इसी बीच में जब इनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई जाने लगी तो फिर यहाँ पे आपका पहले मुल्तान का गवर्नर रिवोल्ट करता है जब ये मुल्तान का जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस करने जाती है याकूत के साथ मिलके। तो यहाँ पे भटिंडा का जो गवर्नर है अलतूनिया वो क्या करता है इनको और याकूत को कैप्चर करके बंदी बना लेता है उसके बाद में आप क्या देखोगे और ये सब चहलगानी के इशारों पे हो रहा था जो पावरफुल नोबल्स हुआ करते थे इल्तुतमिश के टाइम पे उनके इशारों पे हो रहा था याकूत को तो मार दिया जाता है अब यहाँ पे रजिया सुल्तान अपना लास्ट कार्ड प्ले करती है वो अल्तुनिया को कहती है आई एम रेडी टू मैरी एंड आई एम रेडी टू शेयर पावर विद यू आप मेरे साथ चलो दिल्ली की सीट को बचाते हैं ठीक है ठीके? दिल्ली की सीट को बचाते हैं जब ये लोग वापस आ रहे थे तो आप क्या देखेंगे कि अगेन चहलगाने के भेजे हुए जो कुछ गुंडे हैं उन्होंने रजिया और अल्तुनिया जो है उन दोनों को ही है ना मर्डर कर दिया और इस तरीके से रजिया सुल्तान की कहानी जो है इट हैड एंड यहाँ पे रजिया सुल्तान जो है उनका पीरियड जो है वो एक और चीज के लिए जाना जाता है शी फोकस मोर ऑन

लेट मी गो थ्रू यमेंट्स एग्जैक्टली यश्री है ना जब आजकल इतना होता है तो उस टाइम पे क्या होता होगा ठीक है गाइज सो यहाँ पे आगे चलते हैं और फिर हम इसके बाद में क्या देखेंगे रजिया की डेथ के बाद में इलतुतमिश का एक और निकम्मा नकारा बेटा मुइजुद्दीन बहरम जिसके बिहाफ पे ही रजिया पे और अलतुनिया पे अटैक हुआ था है है ना ही ही बिकेम नेक्स्ट रूलर फॉर सम सम फोर टू टू सॉरी ठीक इसको भी आपकी जो चहलगानी है वो रिप्लेस कर देती है अलाउद्दीन मसूद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो रजिया का मुह बोला भाई था या मैं कहूँ सोतेला भाई था स्टेप ब्रदर था टू बी मोर प्रोसाइज है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का एक और बेटा अलाउद्दीन मसूद से तो आप क्या देख रहे हो 1240 से 1246 के बीच में क्विक सक्सेशन और आपका मुइजुद्दीन एंड अलाउद्दीन मसूद जो है ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ रहे हैं अब इसके बाद में आप क्या देखोगे इल्तुतमिश का एक बहुत ही फेवरेट स्लेव जिसका नाम क्या था उलुग खान जो आगे चल के घियान बलबन के नाम से फेमस होता है खान इसकी कहानी आती है दरअसल क्या है ये इल्तुतमिश का स्लेव है उसका वन ऑफ द फेवरेट्स है, है ना और आपका जो स्लेव डायनेस्टी है उसके टाइम पे ये आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे भी तैनात था दरअसल आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम मंगोल्स का अटैक इंडिया में कब शुरू हुआ उसका आंसर है 1240 एंड टू बी मोर 1241 यानी शाह के टाइम पे मंगोल्स का इंडिया के अंदर अटैक जो है वो शुरू हो गया था और इन्हीं अटैक से डील करने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आप क्या देखेंगे उलूक खान या जो बाद में घियासुद्दीन बलबन के नाम से फेमस होता है उसको यहाँ पे फ्रेंड्स पे भेजा गया था वो ये सारी कहानी देख रहा था और उसने क्या किया था ही वाज वेरी मैं कह सकती हूँ क्लेवर उसने क्या किया था इल्तुतमिश जो है उसी का एक ग्रैंडसन था नसीरुद्दीन इससे अपनी बेटी की शादी कर

क्यों बनाया नसीरुद्दीन महमूद जो है ये बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रवृत्ति का इंसान था है ना सो ही वाज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रिलीजियन शांत प्रवृत्ति का है उलुग खान को या बलबन को लगा था कि नसीरुद्दीन महमूद के बिहाफ पे ही इज वन हु इज गोना रूल और वो खुद को नायब या रीजेंट जो है वो डिक्लेयर कर देता है नसीरुद्दीन महमूद का आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स आई नो महरम शाह को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे है ना बट माइंड यू 1241 में आप क्या देखोगे चंगेज खान का एक बेटा जो है है ना वो नॉर्थ वेस्ट पे अटैक करना शुरू कर देता है और पंजाब तक उसकी फोर्सेस पहुंच जाती है बेसिकली आप देखोगे कि इस पीरियड के दौरान ये जो अटैक्स शुरू होते हैं ट्वेल्व फोर्टीज के आसपास ये कंटिन्यू रहेंगे और ये आपकी सतलज नदी जो है वहां तक आने लगे थे प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस सतलज नदी के उस पार का जो हिस्सा है पंजाब वाला जो है वो बस ये कोशिश करता रहा नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे भी कि ये लोग जो है सतलज को क्रॉस करके ना आगे बढ़े ट्राइड टू फोकस अपॉन दैट पॉसिबिलिटी है बलबन जो है उनकी जो मंगोल पॉलिसी है उससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर सो so, पहले आप क्या देख रहे हो मुइजुद्दीन बहरम शाह के टाइम पे इंडिया में फर्स्ट टाइम आपके मंगोल्स जो है उनका अटैक होता है और धीरे धीरे ये जो अटैक्स हैं ये आपके सतलज नदी के तक होने लगते हैं इस टाइम पे फ्रंटियर पे कौन है उलुग खान या बलबन है बलबन नसीरुद्दीन महमूद जो है जो उसके सनो हैं उनको सीट पे बिठाता है और इनके बिहार पे नायब या रीजेंट बनके एक्चुअली ही वाज द वन हु वाज द डी फैक्टो रूलर 1246 से 1266 के बीच में भी अब क्या हुआ जब 1266 हुआ तो इस टाइम तक बलबन जो है वो 80 साल का होने जा रहा था नसीरुद्दीन महमूद मरने का नाम ही नहीं ले रहा था ही वाज वेरी यंग तो उसको लगा क्या किया जाए है ना क्या किया जाए तो उसने क्या किया नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता है ही हिम और यह हमें कौन बताता है अमीर खुसरो जो बलबन के कोर्ट में होंगे उनके कंटेम्प्ररी है ही पॉइजन नजीरुद्दीन महमूद हिज ओन सन इनो एंड देन सेट ऑन द्रोन ऑफ डेली सो अगेन स्लेव इज बिकमिंग के बीच में ग्यासुद्दीन बल्बन जो है उसका रूल रहता है इसके बारे में हम देखते हैं लेटमी गो थ्रू योर कमेंट्स बिल्कुल अनुज हम इसको भी डिस्कस करेंगे हलाकू खान वाला भी पॉइंट जो है ये श्री है ना किंगशिप नोज नो किंगशिप महाभारत से ही ये तो बहुत पुराना प्रिंसिपल है <laughs> संविता सविता कह रही है मैम तबाकत ए नसीरी का थीम क्या था तबाकत ए नसीरी में बंगाल जो है उसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है ठीक है इलतुतमिश के पीरियड से शुरू होकर नसीरुद्दीन महमूद के, के पीरियड तक का कुछ पचास साल का इतिहास आपको बंगाल का उसमें मिलेगा और स्लेव डायनेस्टी जो है ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं ठीक है थीके? क्लास कब तक चलेगी ये लास्ट है बस हो गया टेन मिनट्स मोर अब क्या देखोगे बलबन जो है उसके सामने जो प्रॉब्लम्स है ही वेरी क्लियर अबाउट यहाँ देखो क्या क्या था मतलब टीचर नहीं थकता बच्चे थक जाते हैं पहले इससे पहले इससे हम कंटेंट भी बना के so, अदरवाइज so, कि कि मैं ऐसे बोल देती हूँ बलबन जो है उनके सामने क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे एक कल तो क्लास नहीं है कल चली करना वैसे भी ठीक है कल तो शाम को मेरी क्लास होती भी नहीं है so, पढ़ लो। लिंक बनी होती है तो समझ आ जाता है चीजें फिर वापस से वरना, समझाना शुरू करो पीछे से पूरा तो बलबन के टाइम पे उसको एक चीज समझ में पावरफुल हो गई है इसको करना पड़ेगा। दूसरा ये जो सुल्तान को बाकी जो नोबल्स हैं वो खुद के बराबर समझते हैं इसको खत्म करना होगा और सुल्तान जो है, है ना उसके हाथ में पावर को सेंट्रलाइज करना पड़ा पड़ेगा सुल्तान की जो ऑथोरिटी है उसको बहुत अच्छे से से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। क्या है? चहलगानी रज़िया के टाइम वो ये सारा ड्रामा देख इक्वल टू यू तुम लोग नोबल हो मैं सुल्तान हूं तो उसको ये करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या देखेंगे इसके रिगार्डिंग उसने, उसने है ना और आपका जो मंगोल्स हैं उनके साथ में इसकी पॉलिसी जो इसके रिगार्डिंग हमें फैक्ट्स देखने हैं और साथ ही साथ में क्योंकि मंगोल्स के के अटैक 1240 से से शुरू हो गए थे शाह शाह टाइम है ना मुइजुद्दीन देखो भाई मैं तो नाम देख लेती हूँ क्योंकि ऐसा नाम नाम बता के चले जाऊंगा आपको ठीक है तो मंगोल्स एंड इसके अलावा राजपूत जो है उनकी तरफ क्या एटीट्यूड रहा वो तो आप ये देख पा रहे होंगे इसके अलावा एक और चीज यस लॉ एंड ऑर्डर की काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल रही थी आपका जो मेवात वाला रीजन है हरियाणा का मेवात है ये मेवात अभी भी न्यूज में रहता है ठीक है सो मेवात वगैरह वाला जो रीजन है आपका है ना मेवात है आपका दुआब है अवध है इन एरियाज में बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम प्लंडरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी और अब ये सारी प्रॉब्लम जब आपके सामने है तो आपको इनको सॉल्व करना है इनके कोर्ट पोएट्स में अमीर खुशरू हैं

चहलगानी जो है इसके जो सबसे पावरफुल नोबल्स हैं उनको धीरे धीरे करके इसनेट एलिमिनेट करना शुरू किया एंड ही सम ऑफ देम मर्डर्ड जिसने बाकी जो नोबल्स है, टर्किश है ना जो बाकी पावरफुल नोबल्स हैं उनको इससे डरा दिया कि भाई ये इस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे बाकी के पहले सुल्तान कर रहे थे हम इसको डिक्टेट नहीं कर सकते सो वॉट ही डिड ही इनिशियली फर्स्ट डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय द चहलगानी

शेडो ऑफ द गॉड और इनफैक्ट मैं आपको बताऊ जिस तरीके से आपका महमूद गजनवी जो है दो वो टर्किश था टर्किश स्लेव हुआ करता था पहले टर्किशियन है स्लेव का तो नहीं बता सकती मैं है ना? पर टर्किशन ऑरिजन था स्लेव की तरह ये लोग एंटर किए थे सही बताऊँ तो है अल्पजिन है ये सब लोग जो है ये स्लेव दी थे बेसिकलीन दे ग्रू पावरफुल ठीक है वो अपनी बात अपनी जगह पे है तो टर्किशन ऑरिजन थे ये तो आपको पता है और फिर भी जब उसको फिरदौसी ने कहा कि आप पर्शियन ओरिजिन के हैं

सेलिब्रेट करना शुरू करवाया सो ही इज द वन हु स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग नवरोज फेस्टिवल एंड इस फेस्टिवल में पूरा जो आपका मैग्निफिसेंस है आपके पास जो धन दौलत है उसको शो ऑफ किया जाता था टू सेंड अ मैसेज द सुल्तान इज मोर पावरफुल देन द पीपल ही इज मोर पावरफुल देन द नोबल्स सो क्या कह रहा है कि वो क्या है ही इज जिल्ले इलाही ही इज द शैडो ऑफ द गॉड नवरोज का फेस्टिवल जो उसको करना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना और जो नोबल से उनको उनकी रियल औकात दिखाने के, के ट्रेडिशंस थे, थे जैसे कि सिजदा पैबोस ये शुरू किया सिजदा क्या है आपका जो दंडवत प्रणाम होता है वो पैबोस क्या है किसिंग द फीट ऑफ द द सुल्तान ये शुरू किया तो नोबल्स जो है, उनको उसके कोर्ट में आके ये सब करना पड़ता था। so, चहलगानी, सुल्तान है ना important authority in the entire empire. Next, मैंने आपको कहा कि की थी और आपके जो मेवात वाला रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेडर लूट ये आपको देखने को मिलता था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कि यहाँ पे जितना रूथलेस हो सकता है मिलिट्री लेके जाओ एंड सप्रेस So, आपके मेवाद अवध यहां पे जितने भी डिस्टर्बेंसेस थे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी वर रूथलेसली सप्रेस्ड ये इसकी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन है कि कोई समझौता नहीं करना जाओ मिलिट्री लेके खत्म करो काम खत्म और क्या प्रॉब्लम है राजपूत से इनको हम देखेंगे एक बार आप यहाँ पे क्या देखेंगे आप देखेंगे हम यहाँ पे बात करते हैं मंगोल्स की तो इसने एक और चीज करी ये सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए जानते हैं इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो इसकी शुरुआत करी जिसको दीवान ए आरिज के नाम से जानते हैं और इस दीवान ए आरिज का जो हेड होता था वो आपका मुमलिक ए आरिज ये होता था और जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी ये बलबन के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे तैनात थे और जो मंगोल अटैक होते थे है ना? उनको सतलज नदी जो है उसके इस पार आने से रोकते थे तो जलालुद्दीन खलजे जो है इन्होंने सक्सेसफुली बहुत सारे जो मंगोल अटैक अटैक्स उनको रिपल्स किया और इनको सतलज नदी जो है उसको क्रॉस करने से रोका जलालुद्दीन खलजे जो है जब ये सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया दीवान आरिज का तो इनके हेड के रूप में जलालुद्दीन खिलजी को इनविटेशन भेजा था एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द मामलिक ए आरियस हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट आर्मी की सेंट्रलाइज्ड आर्मी की जरूरत क्या थी सेंट्रलाइज्ड आर्मी की जरूरत थी इंटरनल रिबेलियंस को कंट्रोल में रखने के लिए और साथ ही साथ में आपका जो मंगोल थ्रेट है उससे डील करने के लिए जहां जहां तक तक इसकी इसकी मंगोल मंगोल पॉलिसी पॉलिसी की की बात बात है है ना? जहां तक इसकी मंगोल पॉलिसी की बात है ना इसमें फोर्स और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल किया गया तो ऑब्वियसली सतलज के यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका जो भटिंडा है आपका सूरी नाम है यहाँ पे सो so, पे जो फोर्ट्स हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया गया यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई ही फोर्टिफाइड फ्रंटियर पे आर्मी जो है जैसे कि मैंने बात करी अभी जलालुद्दीन खिलजी की है ना आर्मी वॉल स्टेशन ये सारे स्टेप्स तो ले रहे हैं साथ ही में डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हलाकू द मंगोल सेकेंड खान ऑफ ईरान है ना सो so, आपके जो मंगोल से मैंने कहा चंगेज खान की डेथ के बाद में दे गोट डिवाइड इनटू फोर पार्ट सो आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा इधर चाइना वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा है ना इधर आपके ईरान वाले पोर्शन में और इधर एक और देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से तो यहाँ पे ईरान वाले पोर्शन के अंदर जो मंगोल रूलर है हलाकू मंगोल द सेकेंड यहाँ पे इसने इसको डिप्लोमेटिक एम्बेसी भेजी थी और ये इनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेनटेन करता था और एक तरीके से सतलज जो है वो मंगोल्स के बीच में और बलबन की जो टेरिटरीज है स्लेव डायनेस्टी की उनके बीच में डी फैक्टो लाइन बन गई थी बलवन का मेजर फोकस जो है वो कंसोलिडेशन पे था रेदर देन एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर तो आप क्या देखोगे कि इसने सक्सेसफुली आपका अजमेर है आपका नागौर है है ना ईस्टर्न राजपुताना है इन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया लेकिन रणथंबोर और ग्वालियर जो है यहाँ पे इसके जो अटेम्प्ट रहे दे फेल्ड इसी टाइम पे आप देखते हो 1279 के अंदर बंगाल का जो गवर्नर है तुगरी ही रिवोल्टेड ही रिवोल्टेड और इसको सप्रेस करने के लिए इसने अपने बेटे के साथ में आर्मी को भेजा है ना अपनी फोर्सेस को भेजा तो बेग जो है उसके रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया गया और बलबन का जो बेटा है बुगरा खान इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया बंगाल का गवर्नर बना दिया गया क्या है ना कि बलबन का एक फेवरेट बेटा हुआ करता था बलबन चाहता था ये सक्सेसर बने बट मंगोल्स के साथ में लड़ाई में वो मारा गया तो फिर बलबन की डेथ के बाद में है ना बलबन की डेथ के बाद में आप क्या देखोगे बुगरा खान को मैसेज भेजा गया कहा गया कि आओ और दिल्ली की गद्दी संभालो बुगरा खान वॉज वेरी क्लियर ही टोल्ड सी आई एम हैप्पी रूलिंग द ईस्टर्न पार्ट बंगाल बिहार मैं यहाँ मस्त हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए

उसका बेटा गद्दी पे बैठा है बट उसने बंगाल का खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया जो है थ्रोन ऑफ डेली एंड जो हम कहते हैं ना शराब शबाब बिजी इन इंजॉयंग लग्जरी ऑफ इंड उसके बाद में आप देखोगे he suffered from a स्ट्रोक ही got paralyzed. इसका एक बेटा था जो बहुत छोटा था कहा जाता है कुछ शायद तीन साल का कुछ समथिंग ही ही लाइक वेरी यंग मेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ डेली कैमूर और आपके जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो ये जो कैमूर हैं पहले आते हैं कि मैं इसके नायब की तरह काम करूंगा इसके रीजेंट की तरह इसको प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन कहा जाता है कि कैमूर जो है खिलजी जलालुद्दीन खिलजी गॉट दिस पर्सन कैमूर मर्डर्ड एंड देन पे आपकी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी उसकी फाउंडेशन रखी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा होपफुली आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा है ना लेट मी गो थ्रू योर कमेंट्स ठीक है सो so होपफुली है ना आपको अच्छा लगा होगा मंडे को हम अपना खिलजी डायनेस्टी जो इसको शुरू करेंगे आपको लेक्चर का लिंक्स मिल जाएगा बाकी अगर आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट चाहिए तो हमारी फैकल्टीज हैं है ना हु आर लाइक ऑल इंडिया दे आर फैकल्टीज एंड दे आर रिस्पेक्टेड है ना बाय द एस्पायरेंट्स एज वेल एज दी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आप इनका पूरा कोर्स चलने वाला है फाउंडेशन बैच ट्वेंटी ट्वेंटी का उस पर आपको ऑफर मिल रहा है अप टू ऑफ प्लस मंथ्स का एक्सटेंशन अगर आप कोड यूज करते हैं सोन लाइफ

डेक्शन टू प्रेपरेशन ऑफ सिविल और योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो जो डिसंबर फर्स्ट से शुरू में लिंक है सबको right? सब ज्वाइन कर सकते हैं आप ई एम आई है सब पे एंड कोर्स ऑन लाइव रहेगा मैक्सिमम डिस्काउंट को भी थैंक यू सो मच एंड ट्राई करो प्लीज इन लेक्चर्स को शेयर करो ठीक है इंटरेस्टिंग है ठीक है निकिता रोहित देख लेना आईडी का झोपड़ा एंड शेयर इट विद योर नाइट टाइम फ्रेंड्स उस टाइम पे जब 11:00 बजे क्लास ले रही थी तो भीड़ आ गई थी इतनी ज्यादा हैं <laughs> तो शेयर विद दोस पीपल हु वॉच द लेक्चर्स ओनली एट नाइट चलो ओके गाइस क्लास खत्म करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच यस क्लास खत्म यस अनुज क्लास खत्म ठीक है चलो कल सुबह 8:00 मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के लिए फिर बारह बजे अन एकेडमी की ऐप पे आपकी आपका जो राजपूत पीरियड है और जो गजनाविद घुरीद अटैक्स हैं उनसे रिलेटेड आपका एमसी क्यू सेशन है तो उसको ज्वाइन कर लेना एंड कल मेरे लिए इतना ही है फिर सैटरडे से संडे मेरी तरफ से आप छुट्टी फ्री हैं मंडे को मिलेंगे सीधा फिर है ना तो कल सुबह आठ बजे मिलते हैं अभी के लिए क्लास क्रिएट कर देती हूँ मैं हिस्ट्री के जो आपके एम सी क्यू वाली है कल दोपहर के बारह बजे वाली उसको ज्वाइन कर लेना लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे सोनप्रिया मीना कोर्स ग्रुप पे ठीक है